हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लश एंड ब्यूटी। आई एम प्रिया शर्मा। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और जल्दी से प्रेस कर दीजिए बेल आइकन। सो आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है हमारी रीसेंट परचेजेस ऑफ मेकअप। उस हर एक प्रोडक्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, सो यू कैन बाय इट फ्रॉम एनी साइट यू वॉन्ट। और इन प्रोडक्ट्स का कुछ रिव्यू आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला जो प्रोडक्ट है वो है ग्लैम 21 से ट्विंकल आई ग्लिटर पैलेट। इसका जो नंबर है, शेड नंबर जो है 01 है। 10 शेड इसमें आते हैं ग्लिटर के। वैसे तो कई मेकअप आर्टिस्ट जो लूज ग्लिटर है वो यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं, बट वो थोड़े अनमैनेजेबल हो जाता है, उसको टू वे जल भी लगता है यूज़ करने के लिए। ठीक है, ये कुछ प्रेस ऑन टाइप होता है। ये जो ग्लैम 21 का ये क्रीम बेस्ड ग्लिटर है और इसका जो फॉर्मूला है वो नॉन ग्रीसी है और 10 डिफरेंट शेड में ये जो हमारी एक पैलेट है वो आती है, आप देख सकते हो। मैं जल्दी ही स्किट से एक आई मेकअप लुक रेडी करूँगी और आपको शो करूँगी। और इसमें जो ग्लिटर यूज़ है वो भी बहुत फाइन ग्लिटर है, ज़्यादा मोटे ग्लिटर नहीं है। और इट्स वेरी ब्लेंडेबल और हाईली पिगमेंटेड किट। सो मूव फर्दर, नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है स्विस ब्यूटी के लिक्विड कंसीलर्स। दीज आर अराउंड वर्थ 230 रुपीज़ एंड सेल पे कभी कभी ऑफ भी मिल जाता है। मैंने इसके 3 शेड लिए हैं। दिस इज 01 शेड। इसका जो 01 शेड है वो थोड़ा सा डस्की स्किन पे जाएगा। और उसके बाद है शेड नंबर 02। अगर आप मीडियम स्किन टोन के हो तो ये इसका स्वीट ब्यूटी का 02 शेड जो है आप हाइलाइटिंग एरिया पे अपने यूज़ करते हो। आफ्टर फाउंडेशन भी आप इसको हाइलाइटिंग एरिया पर अपने यूज़ कर सकते हो। और ये बहुत अच्छा है, क्रीमी टेक्सचर है इसका, बहुत अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाता है। सो नेक्स्ट शेड नंबर 04। सो एज़ यू कैन सी ये जो शेड है थोड़ा मीडियम स्किन टोन के ऊपर, जैसे कि हमने फाउंडेशन को थोड़ी कवरेज देनी है मीडियम स्किन टोन पे, तब ये वाला फाउंडेशन, ये शेड जो है इसकी यूज़ हो जाती है। और ये जो स्विस ब्यूटी के लिक्विड कंसीलर हैं, इस प्राइस रेंज में आपको कोई कंसीलर इतना अच्छा नहीं मिलेगा। और इसकी ब्लेंडेबिलिटी इतनी अच्छी है ना कि फिंगर की हेल्प से हल्का हल्का मैंने टैप टैप किया और ये पूरी तरह से स्किन में ब्लेंड हो गया, देख रहे हो आप। और लिटरली इस प्राइस रेंज में इतने अच्छे कंसीलर मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। दीज आर द बेस्ट कंसीलर इन दिस रेंज। लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो फॉर इट। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है शुगर कॉस्मेटिक से। सो इट इज़ एन हाइलाइटर जिसका शेड है गोल्ड ग्लोरी और 02 नंबर का जो है ये शेड है, ये डस्की स्किन टोन पे और मीडियम स्किन टोन पे जाएगा ये शेड। और ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। कॉम्पैक्ट सी इसकी पैकेजिंग आती है, बहुत छोटी सी पैकेजिंग है और ये ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए भी बहुत सही है। ठीक है, और इसमें इसकी जो स्पेशल बात, इसमें ना चंकी पार्टिकल नहीं है। कुछ हाइलाइटर्स होते हैं बैंग बैंग वाले, वैसा नहीं है, बहुत ही सटल ग्लो देता है ये। और मीडियम स्किन टोन के ऊपर ये बहुत अच्छा जाएगा, 02 शेड गोल्ड ग्लोरी। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है गाला ऑफ लंदन का सन किस्ट पर्ल सन किस्ट पाउडर। इट्स एन लूज पाउडर। ये बहुत ही कम प्राइस में आता है, जैसे कि 120। और 120 में इसकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी खासी है, हमको 40 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है। अभी मैंने आपके सामने ओपन किया इसको। द शेड इज सन किस्ट। अभी इस प्रोडक्ट को मैंने यूज़ नहीं किया, यूज़ करूँगी फिर आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी किसी वीडियो में। और नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी एक लूज पाउडर है और ये है स्ट्रे क्वेके की तरफ से, SQ की तरफ से, शेड नंबर 08। इसकी जो पैकेजिंग है वो मुझे बहुत पसंद है। प्रोडक्ट तो मैंने अभी ये भी यूज़ नहीं किया, सो इसका कुछ खास रिव्यू मैं आपको बता नहीं पाऊँगी अभी। इसकी जो प्राइस रेंज है वो है 350 रुपये। 8 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट हमको ये मिलता है। गेट इन देयर शेड नंबर 8।
और इसका जो कलर है पाउडर का वो एक पिस्ता शेड से है, पिस्ता शेड, बहुत ही प्यारा कलर है। और इसकी जो पैकेजिंग है बहुत ही प्रीमियम है, प्रीमियम क्वालिटी लग रही है और बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग है इसकी। ओके सो मूव फर्दर। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस। दिस प्रोडक्ट इज जस्ट वाओ। सो दिस इज स्विस ब्यूटी हाइलाइटिंग प्राइमर। वैसे तो ये एक प्राइमर है, एक ल्यूमिनिटी इफेक्ट देता है हल्का सा, बहुत ही रेयर सा स्किन के ऊपर। इट ब्राइटन्स अप द स्किन, मॉडिफाई पोर्स, हमारे जो स्किन के पोर्स हैं उनको मॉडिफाई करता है, मॉइस्चराइजिंग करता है स्किन को और न्यूट्रिशियस है हमारी स्किन के लिए काफ़ी। और इसकी जो पैकेजिंग है लिटरली इतनी प्रीमियम पैकेजिंग है ना, बहुत अच्छी, अच्छे अच्छे महंगे प्रोडक्ट भी इसमें फील करके रख दिए हैं। और इसके शेड है 01 नेचुरल टिंट, जो शेड है वो मैंने इसमें ऑर्डर किया है। सो गाइस एज यू सी, ये जैसे मैं स्किन पे इसको अप्लाई कर रही हूँ इसमें ग्लिटर पार्टिकल नहीं है, जो स्किन को सिर्फ हाइड्रेट कर रहा है, ठीक है, एक मॉइस्चराइजर की तरह। और इसमें हल्का सा ल्यूमिनिटी इफेक्ट आया स्किन में, बट वो ग्लिटरी पार्टिकल नहीं है। मैंने स्विस ब्यूटी का ही, नीचे मैंने वीडियो दे रखी है, स्विस ब्यूटी का ही पर्ल ल्यूमिनेटर ऑर्डर किया था। मुझे लगा था इसका और उसका रिजल्ट सेम होगा, बट नहीं, वो जो है वो ग्लिटरी इफेक्ट देता है स्किन के ऊपर। जैसे हम उसको अप्लाई करते हैं उसमें अलग सी चमक जो है, कुछ शाइन सी हमारे फेस के ऊपर वो छोड़ जाता है। बट ये जो है रियल मेकअप जो बेस है स्विस ब्यूटी का, ये 100 times बेटर है उससे, ठीक है। जैसे मैंने कंपैरिजन की वीडियो डाली है, मैंने एक ड्रॉप पहले उसकी, सिर्फ एक ड्रॉप ही ली है, उस ड्रॉप से भी वो देखो कितना ज़्यादा वो ग्लिटरी सा शाइन सा अलग से ही कर रहा है। और दूसरी तरफ मैंने उसे डबल लिया है मेकअप बेस, ठीक है, रियल मेकअप बेस स्विस ब्यूटी का। और इसकी क्वांटिटी, और ये देखो प्रॉपर उसने स्किन में अब्जॉर्ब हो जाना है, और ऑब्जॉर्ब होने के बाद भी ये कुछ चंके पार्टिकल नहीं रखा है। स्किन जो है नेचुरल शाइन तो कर रही है, बट उसकी तरह चमक नहीं रही, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि कोई पट्टी सी हमने पोंद दी अपने फेस के ऊपर। सो अगर एल्यूमिनेटी के साथ साथ कुछ मॉइस्चराइजर भी आपने परचेज करना है तो आप यू कैन गो फॉर दिस रियल मेकअप बेस। उसके बाद मैंने जो परचेज किया है वो है ये नायका का काजल है ये। सो इट इज़ स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ एंड इंटेंस ब्लैक। जैसे कि इसने कहा है कि इंटेंस ब्लैक, इट इज़ एक्चुअली ऑन इट्स वर्स, ये एक्चुअली बहुत ही मतलब अच्छा कलर दे रहा है, अच्छा टिंट दे रहा है इसके लिए। इट इज़ वर्थ अराउंड 170, बट 170 का नहीं पड़ता, कुछ डिस्काउंट ऑफर कभी ना कभी इस पर चलता रहता है। और पैकेजिंग इसकी भी बाय गॉड बड़ी कमाल की है, प्रीमियम पैकेजिंग है, नायका ब्लैक मैजिक काजल, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। और उसके बाद जो मैंने परचेज किया है वो है ये ब्यूटी स्पॉन्ज, जिसको हम ब्यूटी ब्लेंडर भी बोलते हैं। इसका कलर बहुत ही अच्छा है, बेबी पिंक सा जो शेड है, और बहुत ही अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है। मैंने इसको बाद में स्क्वीज करके भी देखा था और पानी में डिप करके भी, और दिस इज हाउ इट बिग पानी में स्क्वीज करने के बाद। इसका साइज जो है काफी बड़ा हो चुका है, आप देख सकते हो। मुझे ये ब्यूटी स्पॉन्ज बहुत पसंद है, हाईली रेकमेंडेड। सो नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है मेबलिन से, मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा, वाटरप्रूफ मस्कारा है ये। बहुत तारीफ सुनी थी इसकी मैंने, इसीलिए इसको ऑर्डर किया था। ये जो है कर्लिंग इफेक्ट देता है हमारी आईलैशेस को, बहुत क्यूट सी पैकेजिंग है, बहुत छोटी सी पैकेजिंग में आया है। और इसका जो शेड है वो है वेरी ब्लैक शेड, और इसका जो वॉन्ड है हल्का सा कर्व शेड में है, ठीक है, कर्व में इसका जो वॉन्ड है, जो कि हमारी आईज लैशेस को लिफ्ट करने में इसका जो वॉन्ड है हमारी हेल्प करता है। सो इफ़ यू आर अ फैन ऑफ वाटर प्रूफ मस्कारास, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट।
थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड डू सब्सक्राइब।